बोले तो जेट प्लेन उन्होंने खरीदा है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि बगल में नेपाल है, बगल में श्रीलंका है और पाकिस्तान है, इन तीनों देश की यात्रा कर लीजिए, आपको हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर मुक्ति मिल जाए। बिहार के सहयोगी ही बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों पर लाठी चार्ज करना नीतीश कुमार का धर्म है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। नीतीश कुमार अब तानाशाह हो गए, नीतीश कुमार राजा के कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, राजशाही व्यवस्था में चले गए, लोकतंत्र खत्म हो चुका। नीतीश कुमार भले ही जनता के समाधान के लिए समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इस यात्रा पर सियासत काफ़ी तेज है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि एक ऐसा समाधान जब 17 सालों में वो बिहार के जनता किसका समाधान नहीं कर पाए तो अब वो किस समाधान यात्रा पर निकले हैं। वहीं BSSC अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं है, वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि ये सब तो होते रहता है। इसको लेकर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी को बिहार में जब कोई पूछ ही नहीं रहा है, मुख्यमंत्री है बिहार के, बिहार की जनता ने 3 उपचुनाव में नकार दिया और बिहार में 17 साल के बाद नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा कर रहे हैं और अगले साल 18 हो जाएगा और बालिग हो जाएगा, सत्ता बालिग में हो जाएगा। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या हो सकता है कि उनके मुख्यमंत्री 17 साल राज करने के बाद कहते हैं कि समाधान यात्रा पर है। किस चीज का समाधान करने निकले? आपको तो कानून बनाकर, विधेयक लाकर बिहार के लोगों को पूरी सुविधा पहुंचाने का काम करना था, तो आप 17 वर्ष के बाद समाधान यात्रा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अब राजनीतिक समाधान का रास्ता खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि देश की यात्रा रहता है, कौन बड़ी बात होगी? पहली बार हुआ। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार इस तरह का काम करते रहते हैं, इसमें कहां दिक्कत है? तो नीतीश कुमार के सहयोगी ही बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों पर लाठी चार्ज करना नीतीश कुमार का धर्म है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मानसिकता झलकती है कि राजद इसका मतलब इस तरह के काम करते रही है। भारतीय जनता पार्टी, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपने एजेंडा बनाया था कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे 10 लाख को, हम लोग इसी का जवाब मांग रहे हैं। और हम लोगों ने जो किया, 3,25,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 7वां फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, वो तो करा दो। 2021 में यही विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये गारंटी है, 80,402 लोगों की नियुक्ति गारंटी है। तो जब सरकार के मंत्री, सरकार के कमिश्नर गारंटी दिए, उसके बाद नौजवानों ने रोजगार मांगा। और प्रश्न पत्र यदि आपकी सरकार में लीक हो रहे हैं, इसके लिए तो भाई, इसके सरकार के मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो सीधा आप पे आरोप है कि आप लगातार, चाहे BPSC का एग्जाम हो, BSSC का एग्जाम हो, यदि परीक्षा प्रश्न इसी तरह लीक होता रहेगा तो भाई जो हमारे मेधावी छात्र हैं वो कैसे नौकरी पा पाएंगे? तो ये चिंता का विषय है, सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए। और जो बेरोजगार छात्र, जो लगातार मेधावी छात्र हमारे अभ्यर्थी हैं, उनकी पक्की नौकरी और अच्छे से परीक्षा हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार की यात्रा में जो शिक्षक अभ्यर्थी, देखिए नीतीश कुमार अब तानाशाह हो गए, नीतीश कुमार राजा के कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, राजशाही व्यवस्था में चले गए, लोकतंत्र खत्म हो चुका। नीतीश कुमार जी के राज में आप देखते होंगे, कल से आपने देखा होगा मीडिया का जो स्थिति है, मीडिया पर आप सारे चीजों को देख रहे होंगे कि कौन लोग साथ में खड़े हैं, सिर्फ ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं या उनके चुनिंदे नेता दिख रहे हैं। अरे लोकल MLA का महत्व कब होगा, लोकल MP का महत्व कब होगा? ये जो त्रिस्तरीय जिला परिषद पंचायती राज के लोग जीत कर आए हैं, मेयर जीत के आए हैं, वही आदमी पटना में दिखते हैं, वही आदमी
बेतिया में दिखते हैं, वही आदमी मोकामा में दिखते हैं, अरे सब जगह एक ही आदमी दिखेंगे तो बिहार की सूचना आपको कैसे प्राप्त होगी? मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अब सही में लगता है कि मुंजा पार्टी वाले ही मुख्यमंत्री रह गए। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा कि लव जिहाद पे तवज्जो दे, सड़क रोजगार। सीधे तौर पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जब नीतीश कुमार अफसरों से घिरे रहेंगे तो उन्हें बिहार की जानकारी कहां से होगी? जो अफसर पटना में रहते हैं उनको नीतीश कुमार अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उन्हें नीतीश कुमार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो उन्हें बिहार की जानकारी कहां से होगी? बिहार को अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन्हें कुछ बातें याद हो और जो नया करे, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे। ये तमाम बातें जो है वो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर नीतीश की समाधान यात्रा और हाल में हुए अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर कहा है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, एच न्यूज़ पटना।